नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। रुड़की के खानपुर विधानसभा की दुर्गा कॉलोनी में पूर्व सैनिकों ने खानपुर विधायक प्रणव सिंह का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। सैनिकों का कहना है कि प्रणव सिंह ने उत्तराखंड को गाली दी है, साथ ही सैनिकों का भी अपमान करते हैं। पिछले 20 साल से हम उन्हें विधायक बनाते आ रहे हैं, पर उन्होंने सैनिकों को कोई सम्मान नहीं दिया और इस बार वो उनका बहिष्कार कर रहे हैं। और इन्होंने हर बार कुछ न कुछ मतलब ऐसा काम किया है, हमारी उत्तराखंड की पूरे समाज को इन्होंने गाली दी है। अभी 6 महीने पहले निष्कासित भी हुए थे और हम चाहते हैं कि इनको टिकट न दे जाए किसी भी रूप में, इनके परिवार के सदस्यों को, इनको और इनके किसी भी सदस्य को टिकट न दिया जाए। इस बार भारतीय जनता पार्टी से, हमारे भारतीय जनता पार्टी से हमको बैर नहीं है, बैर हमको चैंपियन से है, इसलिए हम चाहते हैं और इसी रूप में हम आज इनका पुतला फूंक रहे हैं। विधानसभा में केवल दुर्गा कॉलोनी जलालपुर भंगेड़ी नहीं, इसके कई रोज के कारण है। पिछले 20 साल से उत्तराखंड यूपी से लेकर उत्तराखंड बन गया, लेकिन खानपुर विधानसभा की बात ना करके मैं अपनी क्षेत्र की बात करूं दुर्गा कॉलोनी जलालपुर भंगेड़ी की, तो फौज का मुद्दा जो सब लोग परेशान है, 22,000 वोटर हैं इस क्षेत्र में। हम कई बार विज्ञप्तियाँ लेके गए वहाँ और उन्होंने कई जगह बात करने की कोशिश करी, लेकिन हमें नहीं लगा कि उस बात का कोशिश का कुछ फल मिला हो और उल्टा गालियाँ मिली। आज हमने ये पुतला जो है अपने चैंपियन साहब के उनके उसमें फूका गया है पुतला, क्योंकि उनने जो हमारे उत्तराखंडी जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनके विपरीत बहुत सारी गालियाँ दी है और हमारे उत्तराखंडी जितने भी भाई लोग हैं सब उनसे जो है नाराज हैं। और हम ये चाहते हैं कि अभी जो ये भी ये चाहता हूँ कि जो अभी जो है आज इनको जो है 15-20 साल हो चुका है और अपना नेता भी बदली करना चाहते हैं हम। पौड़ी में विधानसभा चुनाव 2022 को सफल संपन्न करवाने को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में NIC कक्ष में संबंधित अधिकारियों के साथ पोलिंग बूथों के लिए प्रथम रैंडमाइजेशन प्रक्रिया की बैठक आयोजित हुई है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के प्रत्येक बूथों में 4 कर्मियों की तैनाती की जाएगी, इसके लिए कार्मिकों का डाटा भी तैयार किया जा रहा है। विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों के उपलक्ष्य में जनपद पौड़ी गढ़वाल में सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों के समन्वय से आज निर्वाचन के दौरान जो कार्मिक कार्य करेंगे उनका फर्स्ट रैंडमाइजेशन का प्रक्रिया को संपन्न किया गया। हमारे 944 बूथ हैं और प्रत्येक बूथ पर हम लोग जो है 4 कार्मिकों का ड्यूटी तैनात करते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रथम अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो उनका डेटा बेस तैयार कर लिया गया है, संबंधित डेटा बेस तैयार करने के उपरांत उनको नियुक्ति आदेश जारी भी कर दिया जाएगा। इसके उपरांत जो है उनका ट्रेनिंग जो हम अरेंज कर रहे हैं उसका सेशंस को अरेंज किया जाएगा और ट्रेनिंग के प्रथम सत्र में जो पीठासीन अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी प्रथम है उनको हम ट्रेनिंग के लिए इन्वाइट करेंगे और उसके उपरांत जो है निर्वाचन प्रक्रिया सभी जानकारी को साझा किया जाएगा। लक्सर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तुगलपुर खालसा गांव के जंगलों में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ छापेमारी करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मौके से पुलिस ने 70 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 4,000 लीटर लहन को भी नष्ट किया। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी BS चौहान ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा कल जो है दबिश दे के गंगा के खादर में जो है बड़े पैमाने पे जो है शराब के करीब 70 लीटर के आसपास शराब पकड़ी गई है और उसमें लहान भी काफ़ी मात्रा में नष्ट किया गया है। 4 लोगों को इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है जिन्हें जेल भेजा जा रहा है। तो लक्सर की तस्वीरें जहां शराब के लिए बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल ये पूरा मामला लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र का है जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तुगलपुर खालसा गांव के जंगलों में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ छापेमारी की। छापेमारी करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मौके से पुलिस ने 70 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 4,000 लीटर लहन को नष्ट कर दिया। तो लक्सर के सुल्तानपुर में झिरवेड़ी रोड पर अज्ञात चोरों की तरफ से 10 नवंबर की रात को चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। रिहायशी इलाकों के बीच चोरी की इस घटना से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए थे। व
वहीं पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं पुलिस ने गिरफ्तार चोरों को जेल भेज दिया है। सुल्तानपुर में चोरी हुई थी जिमा रेड्डी रोड पे 10:11 की रात्रि में, उसमें एक शमीम नाम का जो मुलजिम है उसे पकड़ लिया है और जो भी चोरी में माल गया है वो रिकवर कर लिया, थाना लक्सर पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। और यार रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।